आज का मेरा सब्जेक्ट है सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी, हाउ वी कैन सेलेक्ट द प्रॉपर रेमेडी फॉर द पर्टिकुलर पेशेंट। सबसे पहले रोगी का केस टेकिंग सही तरीके के अनुसार करना चाहिए, उसके बाद यह जानकारी ले कि इसमें कितने लक्षण मानसिक, कितने जनरल और कितने पार्टिकुलर हैं, उसी के अनुसार ही उसका वैल्यूएशन किया जाता है। सिलेक्शन करने के लिए मानसिक मेंटल का होना बहुत ही जरूरी है, साथ ही साथ रोगी चिली है या हॉट है इसकी भी जानकारी लेनी पड़ती है। दोनों में सबसे प्रमुख हो जाता है चिली या हॉट पेशेंट, इसके आधार पर ही हम दवा का सही चुनाव कर सकते हैं। अगर रोगी चिली है तो उसका कुछ मुख्य लक्षण हॉट से संबंधित आ रहा है तो उस रेमेडी से वह पूर्ण रूपेण आराम नहीं हो सकता है। उसके लिए चिली ग्रुप में ही उस मुख्य लक्षण को देखना होगा और वही दवा सही सिलेक्शन होगा, उसी के अनुसार रोगी पूर्ण रूपेण आराम होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर कन्फर्म हो जाता है कि रोगी हॉट है तो चिली रेमेडी के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, और अगर चिली है तो हॉट के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। इससे हमारी समय की भी बचत होती है और साथ ही साथ सही दवा का भी चुनाव होने में गलतफहमी होने की संभावना नहीं के बराबर होता है। यदि रोगी स्पष्ट रूप से हॉट है और उसका एब्डोमिनल सिम्टम्स फास्फोरस के अनुसार ठंडा खाना ठंडा पीने से पसंद करता है, गैस्ट्रिक पेन एमोलेशन वाई ड्रिंकिंग आइसी कोल्ड वाटर अगर है, परंतु इस स्थिति में वहाँ फास्फोरस नहीं देना चाहिए। अगर इस परिस्थिति में फास्फोरस देते हैं तो रोगी को कुछ समय के लिए आराम मिल जाएगा, परंतु उसे पूर्ण रूपेण ठीक नहीं कर सकते हैं। जनरली लोगों चिली उसे कहते हैं जिसको ठंडा से तकलीफ पड़े, और गर्म उसे कहते हैं, हॉट उसे कहते हैं जो ठंडा से उसको आराम मिले, और गर्म से तकलीफ बढ़ता हो, परंतु यह साधारणतः गलत ही होता है। जैसे लाइकोपोडियम हॉट पेशेंट होने के बावजूद भी उसके एब्डोमिनल कंप्लेन गर्म से ही आराम मिलता है, फास्फोरस चिली पेशेंट होने के बावजूद भी उसका एब्डोमिनल कंप्लेन ठंडा से ही आराम मिलता है। तो इस तरह से ठंडा और गर्म, चिली और हॉट पेशेंट का सिलेक्शन आसान भी नहीं होता है। एक्यूट एवं क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट में कुछ भिन्नता होती है। एक्यूट डिजीज के ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट के वक्त आप हमेशा मेंटल सिम्टम्स के ऊपर मुख्य रूप से ध्यान दें।
यहाँ चिली और हॉट पर विचार न करें। एक्यूट डिजीज के ट्रीटमेंट में लोकल सिम्टम्स जो रोगी में पाया जा रहा है उसी पर ध्यान देना चाहिए। तीव्र मानसिक लक्षण के ऊपर ही विशेष ध्यान देनी चाहिए। क्रॉनिक डिजीज के इलाज में चिली और हॉट पेशेंट का हमेशा ही ध्यान देना चाहिए। मेंटल सिम्टम्स प्लस चिली और हॉट प्लस जनरल सिम्टम्स सभी का ध्यान देना चाहिए। अगर आंशिक रूप से ध्यान दिया गया तो दवा का प्रभाव अधिक दिनों तक नहीं हो सकती है। सही निर्वाचन ही अस्थाई क्रिया देगी। सही सिलेक्शन का चुनाव ही फलदायक होगा। आपको भी लाभ मिलेगा और रोगी को भी लाभ मिलेगा। सिलेक्शन के लिए कुछ मुख्य स्टेप ये हैं। नंबर 1, जनरल सिम्टम्स उस सिम्टम्स को कहते हैं जो मनुष्य के किसी अंग से रिलेटेड नहीं हो। जनरल सिम्टम्स इज दो सिम्टम्स विच इज रिलेटेड फ्रॉम द होल पेशेंट एंड दैट इज डिनोटेड बाई द आई। जस्ट एग्जाम्पल, आई लाइक स्वीट, आई लाइक साल्ट, आई सी सच टाइप ऑफ ड्रीम, आई फील्स वेरी कॉल्ड। ये जनरल सिम्टम्स के अंदर आता है। जनरल सिम्टम्स जनरली दो तरह के होते हैं, मेंटल जनरल एंड फिजिकल जनरल। सिलेक्शन के वक्त हमको हमेशा ही जनरल सिम्टम्स को अधिक से अधिक कलेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। दूसरा होता है पार्टिकुलर सिम्टम्स। पार्टिकुलर सिम्टम्स इज दो सिम्टम्स विच इज रिलेटेड फ्रॉम द पार्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड दैट इज डिनोटेड बाय द माई। वेयर देयर पेशेंट यूज माई, मेरा, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में तकलीफ है, मेरे आंख में तकलीफ है, दैट इज मीन्स पेशेंट इज सेइंग द पार्टिकुलर सिम्टम्स नॉट द जनरल सिम्टम्स। एंड थर्ड इज द कॉमन सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स मीन दोज सिम्टम्स विच इज रिलेटेड फ्रॉम द डिजीज सिम्टम्स एंड दैट इज द कॉमन सिम्टम्स। सो कॉमन सिम्टम्स इज वैल्यूलेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी बट इट हैज वैल्यू फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज के वक्त में कॉमन सिम्टम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके आधार पर हम रोग का डायग्नोसिस कर सकते हैं। मगर जो ही दवा का चुनाव करने के वक्त में हम कॉमन सिम्टम्स को हटा देते हैं। कॉमन सिम्टम्स के आधार पर कोई मेडिसिन का चुनाव नहीं कर सकते हैं। इसी दिशा निर्देश के अनुसार हम सभी होम्योपैथ के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। अगर केस टेकिंग सही हो, सिम्टम्स का कलेक्शन सही हो, क्वांटिटी के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। क्वालिटी ऑफ सिम्टम्स अगर हम सेलेक्ट करते हैं, क्वालिटी ऑफ सिम्टम्स अगर हम पेशेंट से लेते हैं तो निश्चित ही हमारा सिलेक्शन बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही सही सटीक होगा, बहुत ही निश्चित माना जाए ये हमारा पेशेंट जो है वो आराम होने के लायक है और हम उसको आराम कर सकते हैं। तो सिलेक्शन के वक्त में हमेशा चिली एंड हॉट का ध्यान देना चाहिए। मेंटल सिम्टम लेना जरूरी है, फिजिकल सिम्टम्स लेना जरूरी है, साथ ही साथ पार्टिकुलर सिम्टम्स भी लेना जरूरी है और हम उसी आधार पर उस पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं, रोग का डायग्नोसिस करते हैं, मेडिसिन का डायग्नोसिस करते हैं और प्रॉपर मेडिसिन को सिलेक्शन करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। थैंक यू।